रात के अंधेरों में बिलावल हाउस के अंदर जो साजिशें हुई और जो गवर्नर हाउस 90 में जो साजिशें हुई वो एक बड़ी घिनौनी साजिश थी, साजिश है, जिसके तहत ये था कि किस तरीके से पीटीआई को रोका जा सकता है। एमक्यूएम तो फॉर सेल है, उन्होंने तो अपने आप को ओएलएक्स पे लगा दिया, जो अच्छी डील देगा ले जाए। एक दफा पहले बिक चुके, उन्होंने पहली दफा बिके जब उन्होंने इस इम्पोर्टेड रिजीम को खान साहब से निकल के इसको वोट किया। दोबारा गवर्नर आया, गवर्नर भी अपना बेच दिया। उसके बाद ये भी एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करता, एडमिनिस्ट्रेटर पे आता हूं, उसके बाद ये जो उन्होंने ये इलेक्शन है अपने जो गिने चुने दौड़े कुछ वोटर रह गए थे, उनके कुछ सपोर्टर्स रह गए थे, उनका भी सौदा कर दिया था। और एमक्यूएम ने अपने वोटर्स के अपने ताबूत में, अपने वोट बैंक के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी और अपने वोटर्स के कमर में खंजर घोंप दिया, कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत थे वो भी फारिग हो गए। डील अच्छी हो गई, पीपल्स पार्टी ने बड़ी डील दे दी इनको, पैसा देके मुंह बंद करा दिया। पहले 3-4 खरीदे, जब 8 बंदों को दे दिया उन्होंने, यदि माल खपे ना, मेयर बन के भी माल कमाना, हमसे वैसे ही ले लो, हम ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं। 14 साल के अंदर हम ज्यादा निचोड़ सकते हैं खून, हमें ज्यादा, हमारे पास ज्यादा जोंके हैं जो शहर को लगा दी जाएंगी, जो खून चूस सके, क्योंकि सिस्टम की जोंके हैं। इन्होंने मिलकर किया। एमक्यूएम कहती है जी हमने हल्का बंदी,